पुलिस प्रशासन के लोग, और यहाँ पे आज गए कई स्टेट के लोग यहाँ पे हैं, उत्तराखंड से है, हरियाणा से है, उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश से भी कई जिलों से लोग हैं। देखो समस्या तो है, एक तो जो यहां से अब की बार खास करके गंगा में जो पानी गया, जल जाता तो जल तो नुकसान करता ही नहीं, लेकिन अगर जो पानी गया वो केमिकल का पानी था उसकी भी जांच जरूर करवा दे। उसने इस तरह का पानी पहले भी निकला है, जो खतर क्षेत्र में लोग हैं, हर बार बाढ़ आती थी लोग तो सोचते थे भाई बाढ़ आएगी पानी निकल कर चला गया, पानी जमगी और बढ़िया ठंडा जल होता था, बढ़िया आके फसल पैदा होगी, बढ़िया खाद आ गया। लेकिन अब की बार में इस तरह का केमिकल था कि पूरी फसल, गन्ने जैसी मोटी फसल वो भी गला दी उसने। ये केमिकल का पानी यहाँ की फैक्ट्रियों से गया है, बार बार सुकरताल में भी आंदोलन होते रहे कि इंडस्ट्रीज का पानी छोड़ते हैं वहां पे, उससे मछली मरती है, उससे नुकसान होता है पशुओं का। तो एक तो हमारी डिमांड ये है कि जो फैक्ट्री इंडस्ट्री फैक्ट्री जहरीला पानी छोड़ती है उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उस पर एटीबी प्लांट वो लगवाओ, पूरा किसान बर्बाद हुआ। अब की बार किसानों की फसल बची नहीं, जो दिया है 1500 रुपया बीघा का जो रेट है ये कम है, क्योंकि एक फसल गन्ने की पूरी चली गई। इसमें जो 10000 रुपए की डिमांड है, यह सरकार को लिखो, जब एक ही बार तो उनको देना, आज लोग तो दिया ही नहीं मुआवजा कभी, मैं एक बार उनसे मदद करवा दो, सरकार का भी धन्यवाद करते। और धरना जहां तक है, धरना तो चलते रहे ना, तो इनकी बात करवाओ मुख्यमंत्री से, कम से कम जब ये बात हो तो बिजली तो किसी किसान नाम का चला ही नहीं भाई, तीन तीन चार चार महीने से कोई ट्वेल चली ही नहीं, तो चार महीने का बिल हो गया 6-8% सरकार छोड़ दे, 2 महीने आगे नहीं चलना फिर सर्दी आ जाएगी, तो 1 साल का ही बिजली का बिल माफ करवा दो कम से कम। इलेक्शन है तो इन्हें भी तो कहने को रास्ता मिल जा। और यहाँ की सरकार तो वो रही है कि जब टिकैत साहब थे, इतने निशंक जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ आंदोलन ना करना, आप उत्तर प्रदेश में रेट बढ़वा लो गन्ने का और मैं यहाँ पे 10 रुपए ज्यादा दूंगा। तो हमने आंदोलन उत्तर प्रदेश में किया, 40 रुपए का रेट बढ़ा और यहाँ पे 50 रुपए बढ़वाए। तो भाई इलेक्शन का टाइम है, कुछ सहारा सा अपना कर दो, जो कुछ हो होता जाएगा देखी जाएगी, यह कुछ और है वही बात है। तो लगवाओ कुछ सहारा, किसान तो बर्बाद होगा, जो खास करके जहां को पानी गया है खतर का क्षेत्र का किसान, जो नदियां हैं उसके क्षेत्र का किसान उसमें। और दूसरा एक और मामला है, ये इकबालपुर शुगर फैक्ट्री भी आपकी समाप्त की होगी या अलग एरिया में वहां इकबालपुर अजय भगवानपुर का एक, उस फैक्ट्री में भी पैसा बहुत है, और वो खास करके जो हरियाणा के किसान हैं जिन्होंने किसान आंदोलन में बहुत मदद करी है, जब भी हम जाते हैं तो वे कहते हैं जी हमारा पैसा दिलवाओ, हम उनके सामने कह नहीं पाते कुछ भी। तो ये है कि प्रायोरिटी के हिसाब से जिसने जब गन्ना डाला तो उसी हिसाब से उसका पैसा भुगतान करते रहो। वो हरियाणा वालों के करीब 45 करोड़ रुपया है, हरियाणा के बहुत किसान कहते हैं वो किसी दिन यहाँ पे आकर बैठ सकते हैं, हमारी मजबूरी ये रहेगी कि अगर वे यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आकर बैठ के सारे, तो उसको ना आप हटा सकते ना उनको हम हटा सकते। तो बिजली का हो गया, ये जो नुकसान हुआ है इसका हो गया, गन्ना भुगतान का हो गया, और पूरे जिले को इधर को आपदा कर और क्या करो, अंतर की फसल ना छोड़ी, सर्वे करवा कर करो। और ये मार्च आप निकालते रहोगे तो भाई ये भी सुनते रहेंगे, आप मार्च निकालने बंद कर दोगे ये भी नहीं सुनने के। 1 मार्च ये मकड़जाल था देहरादून की तरफ को कर लो, लेकिन ट्रेनिंग देनी पड़ेगी भाई, जो लड़के हैं ना जो ट्रैक्टर को निकाल के, हमको भी अधिकारियों ने कहा पहले कि ट्रैक्टर तो आ रहे लेकिन जो यूथ आता है ट्रैक्टर पे लाइसेंस है नहीं, आका काटता है ट्रैक्टर वो साग के भाई, जो जहां पर आ गया आप पीछे चलना सीख लो लाइन में, एक लाइन में
तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला भी प्रोग्राम करेंगे वो देहरादून में कर लेंगे। और एक ये पुलिस का भी है क्यों साहब, ये काली वर्दी वाले का क्या आप बीमारी, यहाँ पर काली वर्दी दो है एक में, क्या दो दो तरह की वर्दी है क्या है? अच्छा ट्रैफिक वाले आप बैठ, दो भाई बैठो, देखो जो पहले कौन से ट्रैफिक वाले हैं, काली वर्दी कहाँ पहले देखे थे। अच्छा इनका देखो जी जो साहब जो काली ड्रेस वाले हैं पुलिस वाले, उन पे ज्यादा ये बता रहे लोग कि वे चलान काटते हैं और ज्यादा वो करते हैं। देखो इनकी जिम्मेदारी भी है और सब लोग साथ भी देते हैं, जब यहाँ पे मेला उसकी व्यवस्था होती है तो यहाँ का पुलिस फोर्स मदद भी करता है, जो बाहर के लोग आते हैं व्यवस्था बनवाता भी है। लेकिन मोटरसाइकिल वालों को तो छोड़ दो भाई, मोटरसाइकिल वाले का 5,000 का चलान तो 100 रुपया का हम लेकर था, और 25,000 कहां से देगा भाई कोई? ये इन पे भी आप ध्यान रखो, ये सब किसान के ही परिवार से, कोई व्यापारी नहीं मिलने का पुलिस फोर्स में। उत्तराखंड में और हिमाचल में पहाड़ी जो क्षेत्र में है ऊपर बहुत नुकसान हुआ है, पूरे रास्ते बंद है। हिमाचल में बात हुई थी सरकार से, हमने कहा आए वहां पर, उन्होंने कहा कि अभी आने की वो नहीं है, पूरे रास्ते टूट गए। यही हाल हम अगर जाना चाहा उत्तराखंड में ऊपर पहाड़ में तो वहां पे भी रास्ते सब टूटे हुए हैं। तो भारत सरकार से हमारी डिमांड है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है हमारे जो स्टेट है दोनों, इनको विशेष पैकेज दोनों प्रदेशों को दिया जाए। विशेष पैकेज की हमारी डिमांड है, हम चिट्ठी भी लिखेंगे और आपके माध्यम से भी हम कहेंगे आप भी बनाओ, भारत सरकार से विशेष पैकेज की बात करो, जो ऊपर हमारे जो किसान हैं, जंगली जानवरों का जो आतंक है उनसे उनको राहत मिल सके, जो पहाड़ टूटे, जो सड़कें टूटती है, जो पहाड़ पूरा बर्बाद हुआ है, टूरिस्ट आ नहीं रहे, जिन लोगों ने होटल अपने बनाए थे, जो अपने कारोबार कर रहे थे, वे भुखमरी के कगार में हैं आज। तो बहुत नुकसान दोनों प्रदेशों को है। और नीचे से जब पानी बह के गया पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, तो ये जो प्रदेश है आगे गया ये वेस्ट बंगाल तक, क्योंकि गंगा इनका पानी जब जाता है तो फिर ये वहीं इकट्ठा हो जाता है तो वहां बर्बाद करता है पूरा बिहार, तो ये नुकसान हो गया। ये प्राकृतिक आपदाएं है सब जगह। हम हमारे संगठन के लोग जहां जरूरत हो प्राकृतिक आपदाएं में हम सब लोग आपके साथ में हैं, प्रशासन की हमेशा मदद करते हैं, लेकिन आप भी फाइनेंशियल इनकी मदद करवाओ, ये हमारी डिमांड है। धरना ये चलता रहेगा क्योंकि भाई प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो उसकी जगह तो छोड़ना पड़ेगा कुछ भाई। यहाँ पे एक कमेटी बना लियो, 5 आदमी 11 आदमी चले जाएंगे, मुख्यमंत्री से वार्ता करवाओ, वार्ता होने के बाद भी यहाँ का धरना पर समापन हो जाए, कम से कम उनको भी तो लगेगे मेरे प्रदेश में था और भाई हमारे कहने से हो गया, उनका भी सम्मान बढ़ेगा, किसानों को भी कुछ 2 रुपया कुछ ज्यादा मिल जाएंगे। और विशेष पैकेज की अपना डिमांड करो और ये अपना शांतिपूर्ण चल रहे, ये मार्च है ना बहुत बढ़िया शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च चले। आप सबका धन्यवाद है, जय हिंद जय भारत। और लखनऊ की पंचायत 18 बैठे रहो भाई, अभी क्यों साहब भी तो बोल रहे हैं, क्यों साहब भी है इंस्पेक्टर साहब, अरे हो जाएगा जी प्रमोशन हो जाएगा, जब सबके साथ में हो गए भाई आपकी बात प्रमोशन से ही, मैं अगली बार जब आओ तो बिल्कुल जियो भड़काओ, हाँ हो जाएगा प्रमोशन। तो भाई 18 सितंबर अगला महीना यहां से सीधी ट्रेन जाती है लखनऊ में, एक दिन का प्रोग्राम है अपना, उस प्रोग्राम में भी सब लोग को आना। और आज की पंचायत के जो अध्यक्ष हैं हमारे, आप है होशियार सिंह ये अध्यक्ष है, ऊपर ही आना ऊपर ही आ, हमारे लीडर हैं ये, बड़े सीनियर लीडर हैं, आप इनका पंचायत का समापन करो ठीक है। ये लोग ये बिजनौर से हैं,
हमारे प्रचार क्या है तिरंगा राष्ट्रीय पक्ष नहीं इनका पंचुआ क्या इनका पंचुआ है क्या अरे दे दो ना एसडीएम साहब को देना है इनको देना क्या है कहां आप ऐसा नहीं करने का कोई फैक्ट्री वाला और भाई ध्यान रखो देखो ये सरकार जमीनों को लेना चाह रही आप जमीनों को कैसे बचाओगे वो आपका उधर है जमीन नहीं बेचनी अपनी फैक्ट्री वाले या व्यापारी कृषि में बैनामा करवाएगा एसडीएम साहब कृषि में बैनामा करवाते हैं चक्रोड में दीवार खड़ी कर लेते हैं उसको कॉमर्शियल बात में करवाते हैं दूसरी तरफ की भी जमीन ले ली और जो बीच का रास्ता है कह लेगा पीछे की फ्री मिलेगी तो ये है जहां अगर कब्जा हुआ है तो जमीन को दुआना पड़ेगा इन किसानों को उस पर खेती करेंगे ये नहीं नहीं कुछ नहीं अगर मुआवजा नहीं है तो जमीन आपकी है हम संगठन के लोग कहेंगे और एसडीएम साहब को कहेंगे आप कहाँ का है मामला नहीं आप अजय